Hey guys, how are you doing today? Happy Holi to all of you. So today I am planning to go out for a day with my family. Actually, हमने बच्चों को promise किया था कि अगर वो अच्छे marks लेके pass हो जाएगा 9th में तो हम उसको उसके favorite destination पे लेके जाएंगे and अभी बहुत जल्दी उसके school खुलने वाले हैं. So he passed with very good marks, over expected marks. So we are taking him for that destination. It's Dharampur. तो धर्मपुर में एक्चुअली हम नाइट स्टे करने वाले नहीं हैं. हम लोग जस्ट मॉर्निंग में जाएंगे. विल हैव समथिंग लंच और समथिंग इन हिज फेवरेट रेस्टोरेंट एंड देन विल कम बैक. सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे. मुझे बहुतों ने बोला था कि आप साड़ी में व्लॉग बनाइए टू सी हाउ योर होल डे इन साड़ी टर्न्स आउट. सो दिस इज द साड़ी दैट आई एम वेयरिंग एक्चुअली. सो ये है वो साड़ी. मैंने अभी तक इसका व्लॉग नहीं बनाया है. दिस इज़ अ कॉटन ब्लैक कलर, ब्लैक एंड रेड जरी काइंड ऑफ साड़ी. The only thing I paired it up with this boat neck top and it's backless from behind. But the only thing is ये इसका यहाँ से निकल रहा है बार बार और उसकी वजह से मेरी ये ब्रा दिख रही है. I just have to tuck it inside so that you know दिखे ना. So it's going to be a very good day. But then hopefully it's a very good day. But then you know I'm just मेरा पूरा फोकस आज इसी पे होने वाला है कि ये बाहर ना निकले और दिखे ना कुछ. बट अदरवाइज लेट्स सी हाउ द होल डे इन माय साड़ी टर्न्स आउट. मैंने वैसे पहले भी बहुत बार किया है बट देन यू गाइज वांटेड मी टू यू नो मेक अ वीडियो ऑन दैट. सो लेट्स जस्ट गो हेयर एंड चेक आउट हाउ माय होल डे इन साड़ी गोज एंड स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी होली. पंचम कहाँ जा रहे हैं? धर्मपुर जा रहे हैं. धर्मपुर अच्छा लगता है पंचम को? फेवरेट प्लेस है. चिकू मामा आपको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं. चिकू क्या कर रहा है पीछे बैठ के? पेड़ को देख रहा है. पेड़ क्या बोल रहा है? मेरे पास आओ. पेड़ को क्यों देख रहा है? पहाड़ को देख रहा है. सुंदर लगते हैं ना. नीचे आते हैं घटे आते हैं. हाँ वो बात वो बात अलग है कि साथ ही आ जाए. डेढ़ तो ना करते हैं तू मेरा मैं आता हूँ ना. ये घटे आते थे. हाँ बच्चे लोग देखने में तो सुंदर ही लग रहे हैं. चाहे फिसलते हुए साथ में आ जाए बात अलग है. ये जितने भी आए हैं नेक्स्ट इनका ताम झाम लग रहा है. सबका कल्याण एक साथ ही होना चाहिए. ये इसका स्यापा है ना कि ओह गॉड. इतने सारे के सारे साथते हैं. उन्हें बड़ा बेड़ा करता है. हाँ लास्ट ईयर रेनिंग्स ने बहुत बुरा हाल किया था ना इनका. पर हैं बड़े सुंदर यार. कुछ भी बोलो जिस लोकेशन पे ये लोग हैं ना यहाँ पे मौसम कितना ठंडा रहता होगा थ्रू आउट द ईयर. ये कितना सुंदर लग रहा है ना. है ना ये कितना सुंदर पार्ट है. मेरा तो मन अलग है. मैं बिल्कुल लेट आऊंगा. आप यकीन पता नहीं करोगे नहीं करोगे. आपने देखा भी नहीं होगा. आपने देखा तो फाइनली हमें दिख गया बोर्ड धर्मपुर का. वो रहा बोगी डालेंगे. धर्मपुर यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है. और हमारा स्काई कितना अच्छा लग रहा है. फॉगी फॉगी नहीं फॉगी नहीं सॉरी ब्लू ब्लू स्काई. चलो अभी बोलो भाई मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसको. बोलो प्लीज. पार्ट नीचे आ गया ना मेरे को मिलने. ये हमें कहीं लेके नहीं जाते हैं. आज फाइनली लेके जा रहे हैं. तो ये कह रहे हैं अगर पहाड़ नीचे गिरा तो तुम ही लोग जिम्मेवार हो मैं नहीं हूँ. तो ये हमने रिकॉर्ड कर लिया. कल को अगर ऐसा कुछ हुआ तो समझ लेना हमने इनको धक्का दिया पहाड़ से नीचे. तो होली के चक्कर में ऐसे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो अपनी गाड़ी से होली निकाल कर लुक एट दिस. वो ये देखो. सो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे. इस जगह का नाम है बॉलीवुड स्पाइस. हम यहाँ तब से आते हैं जब इस जगह का नाम कुछ और था. तो हमने सोचा कि वंशु को यहीं पे लेके जाते हैं. खाने के लिए वेट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है. सो ये मैं यहाँ फीलिंग लेती हुई फिर यहाँ मुझे बिरयानी का कैप्शन दिखा. मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने उसका एक वीडियो बना लिया छोटा सा.
एंड देन फाइनली द फूड केम. ये हमने मशरूम ऑर्डर किया था, मशरूम था, जूसेस थे, मेरे लिए लाइम जूस था. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड ड्यूरिंग समर्स, इसलिए मैंने लाइम जूस ऑर्डर किया था बिकॉज ये फ्रेश होता है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी. फिर हमने पनीर सैंडविच ऑर्डर किया था, वो आया, जिसको हमने ग्रीन चटनी के साथ खाया. ASMR विदाउट द साउंड वाले वीडियोज़ बनाते हुए. दी थिंग अबाउट दी चीज़ सैंडविचेज इज़, जब आप उसको काट के मुँह में डालने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ यहाँ वहाँ से जो लटकता है ना, फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप मुँह में डालें तो आपका मुँह ना भरे उससे. सो आई वॉज वेरी श्योर कि मैं इसका ध्यान रखूँ और उसको खाऊँ और साथ में फूड ब्लॉगर वाली फीलिंग भी लूँ. सो वो मैं कर रही थी. एंड देन द पिज्ज़ा केम. पिज्ज़ा मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ ये सब चीज़ें, बट इट वॉज वन शू डे सो वी हैड टू यू नो ऑर्डर ऑल द थिंग्स दैट ही लव्ड. वी केप्ट आस्किंग हिम क्या चाहिए. दिस वॉज अ वेरी नाइस पिज्ज़ा अगेन बिकॉज इसमें पनीर था एंड आई लव्ड इट. फाइनली खा पी के हम लोग अभी वापस जा रहे हैं. हम लोग रुके थे यहाँ पे, एक जगह है बॉलीवुड स्पाइसेस करके, हम लोग मोस्टली यहीं पर आते हैं. So we were there and now we are going back. लेकिन इतनी ट्रैफिक है यहाँ पे, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, भगदड़ मचाई रखी है लोगों ने. देखो पीछे वाले महाराज पीछे नहीं हो रहे हैं, बोल रहे हैं मैं क्या लेके जाऊँगा, मैं कुल्फी लेके जाऊँगा, मैं बिना कुल्फी लिए यहाँ से निकलूँगा नहीं, बोल रहा है वो. एंड उसी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक लग गई. चिकू हैप्पी? फाइनली चिकू कहाँ जा रहा है अभी? तो चीकू एंड मी आर फाइनली डन फॉर द डे. उसके पापा वहाँ खड़े हैं एंड वी जस्ट गोइंग होम. अभी हम लोग पंचकुला में एक सेक्टर में घूम रहे हैं कहीं पे किसी फ्रेंड्स प्लेस. एंड लेट मी नो हाउ द होल ब्लॉग वाज. बाय. पैक अप.